Hello students, welcome to my class. In today's session, I would like to teach you the poem Amanda. It is the sixth poem of our book First Flight and written by Robin Klein. The poet describes the thoughts in the mind of a teenager girl named Amanda. एक अमांडा नाम की लड़की है, उसके माइंड के जो थॉट्स हैं उसको इस पोएम में बताया गया है. Whenever the parents control or instruct the children to do one thing or another, the children feel that their freedom is taken away. जब भी पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कंट्रोल करते हैं या किसी चीज़ को करने के लिए निर्देश देते हैं या नहीं करने के निर्देश देते हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि उनका फ्रीडम छीना जा रहा है. और यही बात इस पोएम में ये जो गर्ल है अमांडा वो भी सोचती है. और इसके माध्यम से ही ये बताया जा रहा है कि फ्रीडम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द टीनेजर्स फॉर द चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए टीनेजर्स के लिए फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस पोएम में अमांडा नाम की गर्ल को उसके पेरेंट्स आइदर मदर और फादर, या तो फादर हैं या मदर हैं जो स्पीकर हैं इस पोएम के, वो उसे बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे नैग करते हैं, टोका टाकी करते हैं. तो मैं अब इस पोएम को स्टार्ट करती हूँ. द स्पीकर सेज इन दिस फर्स्ट स्टैंजा, Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. यहाँ पर जो स्पीकर है, जो पेरेंट है उस गर्ल अमांडा के, वो कह रहे हैं कि अपने नेल्स मत काटो अमांडा. वो अपने नेल्स अपने नाखून कुतर रही है दांतों से, तो उसे मना कर रहे हैं उसके पेरेंट कि ऐसा मत करो. Don't hunch your shoulders, अपने कंधों को मत झुकाओ. सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो, ऐसे झुकने की ज़रूरत नहीं है. स्टॉप डैट स्लाउचिंग, ऐसे झुक करके मत बैठो, दुबक करके मत बैठो. सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा. उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं. देन द नेक्स्ट स्टेंजा इज गिवन इन पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस में दिया है, पंक्चुएशन का एक पार्ट है पैरेंथेसिस. इसमें पोएम में ये जो लाइंस हैं, ये ऊपर जो स्पीकर बोल रहा था उस वो नहीं बोल रहा है इन लाइंस को, और जो दूसरे की जो लाइंस हैं, थॉट्स हैं ये उसके, ये उसके सामने नहीं बोल रहे. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दिस मेन टेक्स्ट, तो इसीलिए इसको पैरेंथेसिस में दिया गया है. सो द गर्ल इज़ लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन. अमांडा अपने ही कल्पना की दुनिया में है और वो सोचती है. देर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. वो सोचती हैं कि एक बहुत ही relaxed, languid, relaxed, शांत, यहाँ पर शांत है उसका मतलब peaceful, emerald sea. emerald होता है green, एक green, शांत green सागर है जहाँ की soul only, अकेली, inhabitant रहने वाली, dweller, inhabitant, तो वहाँ की रहने वाली अकेली मैं हूँ. अ मरमेड, एक जलपरी, एक वाटर फेरी, उसको मरमेड बोलते हैं. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और बहुत ही ड्रिफ्टिंग, धीरे धीरे, मूविंग स्लोली, और धीरे धीरे बड़ी खुशी से मैं वहाँ पर चल रही हूँ. वो अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक मरमेड है. उधर से उसके पेरेंट उसे टोक रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो. शी इज़ लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन. देन नेक्स्ट, Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. उसको बोला जाता है अब कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया, फिनिश किया, ख़त्म किया Amanda? क्या तुमने अपना रूम टाइडी किया, साफ़ किया? I thought, मैंने सोचा मुझे कि मैंने तुम्हें शूज़ साफ़ करने के लिए कहा था Amanda. Then again, Amanda dreams, वो फिर सपनों की दुनिया में स्वप्न देख रही है. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. वो सोचती है कि मैं एक orphan हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, roaming the street, गलियों में घूम रही हूँ ऐसे ही free mind से, और मैं अपने नंगे hushed bare feet, शांत, bare, बिना जूतों के मैं नंगे पाँव
डस्ट में अपने पैरों से पैटर्न बनाती चल रही हूँ। और द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, वो कहती है कि ये साइलेंस, ये शांति कितनी गोल्डन है और ये आज़ादी कितनी स्वीट है, कितनी मधुर है। वो ये सोच रही है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि मैं एक ऑर्फन हूँ तो मुझे कोई भी टोका टाकी नहीं कर रहा और मैं आराम से अपनी मस्ती में घूम रही। देन द नेक्स्ट, डोंट ईट डैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब उसके पेरेंट जो भी हैं वो कह रहे हैं, स्पीकर कहता है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने एक्ने, अपने पिंपल्स का ध्यान दो, याद करो अपने पिंपल्स को अमांडा। चॉकलेट खाने से पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो वो उसे रिमाइंड करवाया जा रहा है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ़ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अमांडा, क्या कर रही हूँ। तो वो अमांडा मीन्स उनकी तरफ देख भी नहीं रही है और स्पीकर उसे ये बात कहे जा रहे हैं, उसके पेरेंट उसे ये बात कहे जा रहे हैं कि चॉकलेट मत खाओ। तो इससे ये पता चलता है कि अमांडा की जो एज है ना वो टीन एज है, शी इज़ अ टीन एजर, क्योंकि एडोलेसेंस में, टीन एज में ही एक्ने और पिंपल्स होते हैं। तो इसकी एग्जैक्टली जो एज है वो हमें नहीं पता, बट फ्रॉम दीज लाइन्स वी कैन मेक आउट डैट शी इज़ अ टीन एजर। इन लाइन से हमें पता लगा सकते हैं कि वो एक टीन एजर है। देन अगेन शी इज़ लॉस्ट, दिस टाइम शी थिंक्स, वो सोचती है, क्या सोचती है, आई एम रेपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कहती है कि मैं रेपुंजेल हूँ, एक फेरी टेल, एक परियों की कहानी का कैरेक्टर है रेपुंजेल, मैं वो हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, नो केयर, और मैं एक टावर में रहती हूँ और टावर की लाइफ जो है बहुत ही ट्रैंक्विल, बहुत ही पीसफुल, बहुत शांत और रेयर है, मीन्स हर किसी के पास वो लाइफ नहीं है, दुर्लभ लाइफ है वो। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट है, और मैं अपने इन चमकीले बालों को बिल्कुल भी ढीला नहीं होने दूंगी। देन लास्ट स्टैंजा, स्टॉप डैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक डैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। और वो कहते हैं कि तुम बहुत, ये जो सल्किंग है, ये चिड़चिड़ा होना छोड़ो अमांडा, तुम बहुत मूडी हो और हर कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें बहुत टोकती थी, मैं तुमसे झगड़ती थी, नेग्ड एट यू, तो तुम सीधे हो जाओ अमांडा, ये टोकती थी या फिर टोकता था, पेरेंट है उसके, यूजुअली मदर्स ही इस तरह की बातें ज़्यादा कहती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्पीकर है वो उसकी मदर है। ये आपकी पोएम थी, इसके अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और जो वर्ड्स हैं डिफरेंट या राइमिंग वर्ड्स, वो मैं आपको भी बताती हूँ। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहली दोनों लाइंस डोंट से स्टार्ट हो रही हैं, दोनों लगातार आपकी लाइंस, तो जब दो किसी स्टैंजा की कंटिन्यूस दो लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि वहाँ फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा यूज़ हुआ है। क्या यहाँ पर क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? एनाफोरा। और इसी सेंजा में एलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है, स्टॉप डैट स्लाउचिंग सिट अप स्ट्रेट, एस साउंड इसमें रेपिटेशन है एस साउंड का, तो ये एलिट्रेशन का एग्जांपल है। देन इन द सेंजा नंबर फोर, दिस लाइंस, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, बेयर फीट, फ्रीडम इज स्वीट, ये सब क्या है, इनके जो इन लाइंस के लास्ट जो वर्ड्स हैं वो सारे राइमिंग है, स्ट्रीट, फीट, स्वीट, ये आपके तीनों ही राइमिंग वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? राइमिंग वर्ड्स, स्ट्रीट, फीट, स्वीट, क्योंकि सबकी साउंड, एंड की साउंड जो है वो सिमिलर है, सो दे आर राइमिंग वर्ड्स। इसी तरह से स्टैंजा सिक्स में भी, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, तो लास्ट वर्ड आपका केयर है, नेक्स्ट लाइन का रेयर है और थर्ड लाइन का हेयर है, ये तीनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। अब एक और स्टैंजा जिसमें एलिट्रेशन का एग्जांपल है वो है स्टॉप डैट सल्किंग एट वंस अमांडा, तो स्टॉप और सल्किंग में एस साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको इसके जो टेक्स्टुअल क्वेश्चंस हैं वो और एक बार बता देना चाहूँगी। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़, हाउ डू यू नो दिस,
आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि आपके विचार में अमांडा की आयु कितनी है और आपको ये कैसे पता चला। तो मैंने आपको पहले उस स्टैंजा है जब बताया था कि वो एक्ने से ये बात समझ में आई कि वो एक टीनेजर है, तो आप क्या आंसर देंगे कि वी थिंक और आई थिंक अमांडा इज़ अ टीनेजर, शी हैज़ एक्ने ऑन हर फेस एंड चिल्ड्रन यूजुअली हैव एक्ने ऑन देयर फेसेस इन देयर टीन एज, वो टीन एज में ही उनके फेस पर एक्ने होते हैं। सो द आंसर विल बी आई थिंक अमांडा इज़ अ टीनेजर दैट इज़ अराउंड 12 और 13 एंड शी हैज़ एक्ने ऑन हर फेस, यूजुअली बॉयज़ और गर्ल्स हैव देम ऑन देयर फेसेस एट दिस एज। The next question, what do you think is speaking to her? So who is speaking to Amanda in this poem? I told you in the very beginning, मैंने शुरू में आपको बताया कि either her mother or father, one is speaking to her. Her parent, either mother or father is speaking to her. Then question 3, why are stanzas 2, 4 and 6 given in parentheses? वो parentheses में क्यों दे रखे हैं stanzas? जो भी Amanda ने सोचा वो पैरेंथेसिस में दे रखे हैं, दिख रहा है ना आपको सर्कल से वो ब्रैकेट टाइप जो है उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क भी है और उसका एक यूज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका? बिकॉज दे आर दीज आर गिवन इन पैरेंथेसिस बिकॉज दे आर नॉट स्पोकन बाय द स्पीकर, स्पीकर ने ये बात नहीं बोलनी है, यहाँ पर चेंज है उसमें स्टेंजा में और ये थॉट्स हैं उस डे ड्रीमिंग गर्ल अमांडा के। These stanzas reflect the thoughts of a daydreaming girl that is Amanda. इसलिए ये parentheses में दिए गए हैं। What could Amanda do if she were a mermaid? अगर वो mermaid होती Amanda तो वो क्या करती? If Amanda were a mermaid, she could move about in the green sea blissfully. वो बहुत ही खुशी खुशी उस green sea में फ्रीली घूमती, आराम से विचरण करती। तो इफ़ अमांडा वर ए मरमेड शी कुड मूव अबाउट इन द ग्रीन सी ब्लिसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या वो एक अनाथ है? फिर वो ऐसा क्यों कहती है आई एम एन ऑर्फन? तो क्या कहोगे आप? शी इज़ नॉट ऑर्फन बिकॉज हर फादर और मदर इज स्पीकिंग टू हर, सो शी इज़ नॉट एन ऑर्फन। नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन। वो ऐसा क्यों कहती है? लेकिन शी सेज सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू हैव फ्रीडम विच परहैप्स शी डज नॉट हैव बीइंग अ पेरेंटल चाइल्ड। उसको जो आज़ादी चाहिए वो एक पेरेंट्स के होते हुए वो नहीं प्राप्त कर सकती, इसलिए वो ऐसा कहती है। देन व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? वो गर्ल किस चीज़ के लिए की इच्छा रखती है? तो आप को पोएम सुनकर ये लग गया होगा कि शी यर्न्स फॉर फ्रीडम, उस फ्रीडम के लिए वो शी लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, शी यर्न्स फॉर फ्रीडम, वो फ्रीडम की इच्छा रखती है। शी वॉन्ट्स टू लीड हर लाइफ द वे शी लाइक्स, जिस तरह वो चाहती है वैसे वो लाइफ जीना चाहती है, इसीलिए वो डैट इज़ वाई इन हर डे ड्रीम्स शी इमेजिन्स हर टू बी फ्री एंड चार्मिंग। इसीलिए वो अपने दिन के जो सपने वो देखती है, जो इमेजिन करती है अपने आप को, तो फ्री और चार्मिंग अपने आप को रखना चाहती है, यही चीज़ वो इमेजिन करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोएम। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।